इसे महज इत्तेफाक कहें या कुछ और, जो अरविंद केजरीवाल पहली बार 49 दिन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, वो 49 दिनों तक तिहाड़ में रहने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। पहली शर्त यही है कि सातवें चरण का चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। 23 दिन की आजादी में वो न तो सीएम ऑफिस जाएंगे और न ही दिल्ली सचिवालय। सीएम केजरीवाल को किसी भी फाइल पर दस्तखत करने की अनुमति भी नहीं है। अगर कुछ जरूरी होगा तो फाइल पर साइन करने के लिए LG से अनुमति लेनी होगी। इस केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगे और शराब घोटाले में जो गवाह है उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं करना होगा। जब ये इंट्रीम ऑर्डर पास हो रहा था तब ईडी के वकील SG और SG मौखिक रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर कि कैंपेन के ऊपर वो कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, हम जब इन्हें कैंपेन के लिए रिलीज कर रहे हैं क्या कह सकते हैं और ये क्या नहीं कह सकते उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगे। कोर्ट से जैसे ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की खबर आई, पार्टी के नेताओं के चेहरे चमक उठे। भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं और इसे सत्य की जीत बताया गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया, जो तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। ये सत्य की विजय है, ये लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भगवान भी संकेत दे रहे हैं कि तानाशाही खत्म करने का समय आ गया है। ये भगवान ये कोई रची हुई कोई चीज है जिसके लिए बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल जब गरजेंगे तो उसकी गूंज देश में नहीं विदेशों तक जाएगी। केजरीवाल को जमानत मिलने पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। केजरीवाल के जेल से बाहर आने की वजह से आम आदमी पार्टी के प्रचार को भी धार मिलेगी। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। यहां 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी मैदान में है। हरियाणा में भी 25 मई को वोटिंग है, यहां कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है। जबकि पंजाब में 1 जून को वोटिंग है, यहां सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता भले खुश हों, लेकिन BJP कह रही अंतरिम जमानत का मतलब ये कतई नहीं कि वो अपराध से मुक्त हो गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है, उसके बाद क्या? अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भले मिल गई है, लेकिन 2 जून की रोटी उन्हें तिहाड़ में ही खानी पड़ेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।